ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज किस नए वीडियो में गाइस मैं आपसे कुछ सिखाने वाला हूं गाइस, कुछ इस टाइप का कांसेप्ट। एंड गाइस, इस कांसेप्ट में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इजीली वीडियो देखने जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड गाइस, मैंने आप सभी के लिए एक नया YouTube चैनल क्रिएट किया जिसमें गाइस मैं आप सबको YouTube से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर आप चेकआउट जरूर करना। बाकी चले गाइस, आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है गाइस, आप सभी को पहले अपने मॉडल का गाइस बैकग्राउंड रेस करना है। एंड गाइस, बैकग्राउंड रेस करने के लिए आप सबको सिंपली यहाँ पर ड्रॉ टूल का यूज कर लेना है। देन गाइस, आपको यहाँ पे जाना लेयर में, आप सभी को अपनी लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। एंड इरेजर टूल में जाना है। एंड गाइस, इसके बाद आपको साइज अपने अकॉर्डिंग रख लेना है। एंड जो इरेजर की हार्डनेस होगी वो रखना आपको 90 तक, ठीक है? तो इसको मैं फटाफट 90 तक कर लेता हूँ। एंड गाइस, इसको 90 तक करने के बाद आपको फटाफट सीरीज कर लेना है। सो गाइस, बैकग्राउंड क्रिएट करने के बाद आपको सिंपली इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? आप बैकग्राउंड को देख के बिल्कुल घबराओ मत, क्योंकि गाइस जैसे हम इसमें आप मॉडल को ऐड करेंगे तो गाइस हमारा बैकग्राउंड एकदम अच्छे तरीके से ऐड हो जाएगा। तो बाकी गाइस, पहले मैं अपने मॉडल को ऐड फोटो से लेकर ऐड कर लेते हैं, ठीक है? तो ऐड करने के बाद आपको फिर क्या करना है गाइस, आपको मॉडल का जो साइज होगा वो अपने अकॉर्डिंग कुछ स्टेप से ऐसे रखना है कि गाइस जो मतलब आपका मॉडल होगा वो आगे ऐसा लगना चाहिए कि आपने कुछ मतलब कि आपका जो मॉडल है वो आगे की तरफ ही है, ठीक है? क्योंकि गाइस, अगर आपने मॉडल को ज्यादा छोटा साइज करके रख दिया तो आपका मॉडल ऐसा लगेगा कि जैसे कि आपका जो बुल है पीछे की तरफ उससे भी आप छोटे हो, ठीक है? तो पहले हम ऐसे इसका आपका पीएनजी ले लेते हैं, ठीक है? तो इसका आपके पीएनजी को आपको कुछ स्टेप से फुल स्क्रीन करना है, ठीक है? एंड फुल स्क्रीन करके आपको उसके हिसाब से अपने मॉडल यहाँ पे ऐड करना है। तो क्या करेंगे गाइस, जिसको हम यहाँ पे पहले इसको ले लेंगे, एंड उसके बाद गाइस इसको यहाँ पे पीछे की तरफ मूव डाउन कर देंगे। एंड यहाँ पे आप गाइस आप अपने मॉडल को लेंगे, एंड इसके बाद इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे साइज को रखेंगे, ठीक है? जो आपका मॉडल होगा आपको इसका आपके हिसाब से कुछ रखना है। एंड उसके बाद यहाँ पे इतना रख देने के बाद फिर क्या करना है, आप सबको यहाँ से कुछ जो पार्ट है उसको हम सब फटाफट से इरेज करते हैं। सो गाइस, जितना हो जाने के बाद आपसे फिर क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी सी आपको हैंड के नीचे शेडो बनानी पड़ेगी। तो शेडो बनाने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे ऐड फोटो में, यहाँ से गाइस हमें ब्लैक कलर की शीट ले लेंगे, ठीक है? आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपको इरेजर टूल में जाकर इन्वर्ट करना है, ब्रश को लेना है, एंड उसके बाद अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग आपको साइज रखना है। एंड उसके बाद आपको सिंपली हैंड के पास अपने जैसे इस तरीके से यहाँ पे पेंट कर देना है। सो गाइस, अब क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से हम एक स्मोक का पीएनजी ले लेंगे, ठीक है? आपको क्या करना, सिंपली इसको फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप से नीचे की तरफ रख देना है। एंड जो गाइस आपके जो बीच वाला पॉइंट दिख रहा है आपको सिंपली इसके ऊपर ऐसे क्लिक करना है, ठीक है? तो थोड़ा अच्छे से करना है, एंड इसको पकड़ के आपको ऊपर की तरफ इसकी साइज कर देना है, एंड कुछ स्टेप से रख के एंड यहाँ पे आपसे सिंपली डन कर देना है। एंड इतना करने के बाद गाइस आपसे सिंपली यहाँ पे फोटो को सेव करके लाइट रूम ऐप में इसको सिंपली ओपन कर लेना है। तो ऐसे हम गाइस फटाफट से लाइट रूम ऐप को ओपन करते हैं। एंड गाइस, यहाँ पे हमने फोटो को पहले से ऐड कर रखा है, तो हम यहाँ से जाएंगे इस लाइट वाले ऑप्शन में। इसका जो गाइस कॉन्ट्रास्ट होगा आपको उसको थोड़ा बढ़ा देना है, एंड जो गाइस इसका हाईलाइट होगा आपको उसको थोड़ा सा कम कर देना है, एंड जो गाइस शेडो होगा इसको थोड़ा इंक्रीज कर देना है, एंड जो गाइस ब्लैक होगा इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, एंड वाइट जो होगा इसको भी इंक्रीज कर देना है। फिर जाना कलर्स वाला ऑप्शन, आपको वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, टेम्परेचर को कम कर देना है, मिक्स टूल में जाना है, ऑरेंज कलर को सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन माइनस कर देना है थोड़ा सा। फिर उसके बाद आपको फिर क्या करना है, ल्यूमिनस आप चाहो तो बढ़ा सकते हो अपने फेस के अकॉर्डिंग। देन जाना आपको येलो कलर में इसका ह्यू माइनस कर देना है, सैचुरेशन भी माइनस कर देना है। फिर उसके बाद आपको फिर क्या करना, आपको जाना डार्क ब्लू में इसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे रेड कलर में जाकर इसका थोड़ा व्यू चेंज कर सकते हो,
ठीक है, एंड सैचुरेशन थोड़ा माइनस कर लेते हैं, एंड इसको डन कर देना है। आपको जाना फिर नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी होगी आपको उसको इंक्रीज कर देना है, एंड जो है फोटो में विग्नेट होगा हल्का सा डाल देना है, एंड नीचे स्क्रॉल करके आपको मिला ग्रेन अमाउंट आपको सिंपली इसको बढ़ा देना है, एंड इसके बाद जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस होगी आपको उसको इंक्रीज कर देना है, एंड नीचे मिलेगा आपको नोट रिडक्शन आपको उसको बढ़ा देना है, एंड नीचे मिलेगा आपको एक कलर नोट रिडक्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सबके सामने, तो गाइस आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और बाकी चले गए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।